हेलो एवरीवन। तो CUET इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2024 की जो तैयारी है आप शुरू करने वाले होंगे या फिर शुरू करने जा रहे होंगे, तो इसके नज़र में ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे ये चीज़ें कि आपके सिलेबस का जो मैथमेटिकल पार्ट है वो कितना ज़रूरी है, और अदर पार्ट पे भी यहाँ पर डिस्कशन रहेगा। हमारे साथ जो है हमारी रेनोन फैकल्टी जुड़ी हुई है, जो कि आपके शांत त्रिपाठी सर हैं, जो कि आपको 3 साल से इस बैच को पढ़ा रहे हैं, आपके CUET इकोनॉमिक्स के बैच को। इस बार उनका जो है तीसरा बैच रहेगा पूरा, और हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपको मैथमेटिकल पार्ट को पढ़ना चाहिए जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कवर कर पाए। आप सभी को पता है इस बार 21 क्वेश्चन आपके मैथमेटिकल पार्ट से था, ठीक है। और आप इस पार्ट को अगर स्किप करते हैं तो आपको आगे चल के क्या परेशानी होने वाली है, और आप क्या स्ट्रेटजी फॉलो करें कि जिससे कि वो मैथमेटिकल पार्ट जो है आपका कवर भी हो पाए और आप अच्छे स्कोर गेन कर पाओ। ये वीडियो इसलिए ज़रूरी रहेगा कि जो स्टूडेंट नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड के हैं स्पेशली, उनके लिए भी ज़रूरी रहेगा, और जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड है उनके लिए भी ये जो वीडियो है वो ज़रूरी रहेगा। तो लास्ट तक देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हम इसी चैनल पे आप सभी के लिए मैराथन सेशन भी लाते हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड, और आपके अदर वीडियो जो आपके इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होता है, CUET इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, वो भी हम इसी चैनल पे आपके लिए लाते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप को हमारे ज्वाइन कर लीजिएगा CUET इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन के। अगर आप हमारा जो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमने जो कोर्स के लिए आप ज्वाइन करेंगे उसके लिए हमने नंबर दिया हुआ है, आपके कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ है, और आपके डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया हुआ है, जिसमें कि आपके पार्ट ए और पार्ट बी दोनों कोर्सेज में इंक्लूडेड रहेंगे। क्योंकि आप सभी को पता है कि DSE जो है वो पार्ट ए और पार्ट बी दोनों को फोकस करती है, JNU सिर्फ जो है पार्ट बी के स्कोर को फोकस करता है, पर हम सारे जो है पार्ट को इस बार कवर करने वाले हैं। तो आप लोग जो है जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और हमारा टेस्ट सीरीज भी चलता है, और आप जो है दूसरा नंबर जो दिया हुआ होगा आप उस पर कॉन्टेक्ट करके हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर सर गुड आफ्टरनून, और अगर हम बात करें यहाँ पर किस तरीके से शुरुआत करनी चाहिए, अगर इस एंट्रेंस एग्जाम की स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं तो किस तरीके से शुरुआत करनी चाहिए और कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, आप जरूर इसके बारे में बताएं। तो सबसे पहले हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू ऑप्टिव ऑब्वियसली। तो चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले हम स्टूडेंट्स की कैटेगरी को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक वो है जिनका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड रहा है, और एक वो ऐसे स्टूडेंट्स जिनका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं रहा है। तो जिनका भी मैथमेटिक्स बैकग्राउंड रहा है, जब भी उनको चीजें समझाई जाती हैं तो उनके लिए बहुत ही आसान होता है चीज़ों को ग्रैस्प करना और चीज़ों को समझना। और जो नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो मतलब मैथमेटिक्स नहीं पढ़े हुए हैं, उनको बहुत ज़्यादा समस्या आती है। उनको बहुत प्रॉब्लम आती है कि वो कैसे क्वेश्चन को टैकल करें। उनको समझ में चीज़ें कम आती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उनका बैकग्राउंड जो है वो मैथमेटिक्स नहीं होता है। तो ऐसे केस में क्या करें? अभी तक क्या हुआ कि मैथमेटिक्स को लोग बहुत ज़्यादा इग्नोर करके चलते थे, बहुत ही कम फोकस लोग उस पर देते थे। बार बार ये क्लास में बताया गया कि आपके लिए मैथमेटिक्स इक्वली इम्पॉर्टेंट है जितना आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, लेकिन लोगों को कुछ कुछ और यूट्यूबर्स और कुछ टीचर्स द्वारा भ्रमित भी किया गया, जिससे वो मैथमेटिक्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिए। और अंततः क्या हुआ कि रिजल्ट जो है, जो वो एक्सपेक्ट कर सकते थे और बेहतर जहाँ कर सकते थे वहाँ वो लैग कर गए। तो मैथमेटिक्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है CUET में। इसलिए जितने भी लोग तैयारी करेंगे या करने का प्लान कर रहे हैं, उनको इस पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो जो भी मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, उनके लिए क्या है, देखिए अगर आप सिलेबस को और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डीप आप जाके थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे लोग, तो आप ये पाएंगे कि जो क्वेश्चन पेपर, जो आपका क्वेश्चन का पैटर्न है, वो ब्रॉड है। डेप्थ में नहीं जाते हैं, ब्रॉड में जाते हैं। जितनी चीज़ें आपको लिखी गई हैं आपके सिलेबस में, उससे थोड़ा सा ज्यादा जरूर पूछा जाता है। तो एक तरह से आप कहेंगे कि ये ब्रॉड है, डेप्थ में नहीं जाते हैं कि एकदम वो गहराई से घुस के आपको कंसेप्ट पूछे, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पर नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड से भी रहते हैं, तो डेप्थ में वो बिल्कुल भी नहीं जाते हैं। हाँ, वो सारे एस्पेक्ट को कवर करते हैं, जो यहाँ पर जितना भी चीजें लिखी हुई हैं उनसे जुड़े हुए सारी चीजों को वो कवर करते हैं। कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी पूछी गई हैं, जैसे अब की बार की ही बात कर रहे हैं, अगर 21 क्वेश्चन
मैथमेटिक्स और स्टैट को मिलाकर आए हैं, तो उसमें से 4 क्वेश्चन जो हैं वो एक्स्ट्रा पूछे गए हैं। 17 क्वेश्चन पूरे के पूरे इन टॉपिक से रहे हैं जो इन्होंने लिख रखा है। तो जो जिनका भी बैकग्राउंड मैथमेटिक्स है उनके लिए क्या है कि आप पूरा बेसिक से शुरू करिए, सारी चीज़ों को कवर करिए। जितनी भी चीज़ें यहाँ पर आपके सिलेबस में लिखी गई हैं आप कोई एक रेफरेंस बुक पकड़ सकते हैं। अगर आप कोई कोचिंग का सहारा नहीं ले रहे हैं, अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हैं, तो एक रेफरेंस बुक पकड़िए और उसमें सारी चीज़ें एक सरफेस लेवल पर सब कुछ पढ़ डालिए। अगर आप किसी कोचिंग में हैं या हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हम आपको जितनी चीजें बता रहे हैं आपको बस उतनी चीजें करते हुए जाना है। आपको एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। जो चीजें क्लास में कराई जाए डेली का डेली, अगर वो आप करते जाएंगे तो बहुत ही आसानी से आप पूरा तैयार कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो ये थी बात जो थे मैथमेटिकल बैकग्राउंड की। अभी बात करते हैं नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के, जिनके लिए बहुत ही ज्यादा दिक्कत जिनको फेस करनी पड़ती है। उनको क्या करना है, उनको चीजों को सेग्रीगेट करना है, कुछ टॉपिक्स को उनको छांटना है कि वो क्या पढ़े क्या ना पढ़े। अब क्या पढ़े में आता है, जैसे कुछ टॉपिक होते हैं जैसे सेट एंड वेक्टर, तो सेट थियरी जो टॉपिक है वो काफी आसान है। अगर आपके पास बहुत ही बेसिक सा नॉलेज मैथमेटिक्स का है, कुछ फॉर्मूले आप याद कर लेंगे तो आप सेट को कर सकते हैं। उसी तरीके से लीनियर प्रोग्रामिंग बहुत ही आसान सा टॉपिक है। फंक्शन की बात करें या डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें, इन सब में उनको जीरो से पढ़ना होगा। और जीरो से पढ़ने के लिए उनको क्या है कि अगर आप केवल फॉर्मूले फॉर्मूले ही पूरे पढ़ते जाते हैं और बेसिक रूल्स पर बेसिक प्रैक्टिस भी बना के जाते हैं, तो वो क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम क्लास में कराते हैं, उन बच्चों पर भी फोकस किया जाता है क्लास में, उन्हीं बच्चों को खासकर फोकस किया जाता है जो नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड के हैं। आपको बेसिक ही पढ़ाया जाता है, बेसिक से चीजों को कराया जाता है, जिससे बाकी लोग को आसानी तो हो जाएगी। जो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट हैं उनको आसानी हो जाती है उस पर ग्रेस्प करने में, और जो नॉन मैथमेटिकल लोग हैं वो भी इतना ग्रेस्प कर लेते हैं चीज़ों को, इतनी चीज़ें पढ़ ले जाते हैं कि उनको जब उनका एग्जाम होगा तो वो चीज़ों को आसानी से कर सकें। तो उनके लिए क्या है, अभी तो आपके पास बहुत सारा समय है, तो आप बिल्कुल बेसिक से आप कोचिंग को ऑप्ट करिए और बहुत ही बेसिक से आप पढ़ना शुरू करेंगे। जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आपके लिए चीजें आसान होती जाएंगी, प्रैक्टिस करते जाएंगे तो चीजें आपको याद आ जाएंगी, धीरे धीरे याद हो जाएंगी, सारे फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे। सारी ट्रिक्स ट्रिक इसमें कुछ खास होती नहीं है, आपको बस पैटर्न पता होना चाहिए, तो सारे पैटर्न आपको पता हो जाएंगे। दिक्कत तब होती है जब आखिरी मोमेंट पे लोग ज्वाइन करते हैं, उस समय नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड के लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर आप आखिरी मोमेंट पे प्लान कर रहे हैं तो फिर आपको कुछ स्पेसिफिक चीजें ही पढ़ना पड़ेगा, और वह स्पेसिफिक चीजें आपको समय के साथ बताई जाएंगी। तो यही एक स्ट्रेटजी होती है जो अच्छी, जो प्रॉपर स्ट्रेटजी से अगर आप चलेंगे कि बेसिक से आप पढ़ते रहिए, एक एक टॉपिक को क्लियर करते रहिए, अभी समय है। लास्ट के टाइम में आपको केवल स्पेसिफिक चीजें बता दी जाएंगी कि आप ये पढ़ लीजिए, जहाँ से आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं, लेकिन आप सारे क्वेश्चन उस समय उसमें नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे अगर आप लास्ट के टाइम की स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे। और मैथमेटिक्स आप जैसे जान सकते हैं 21 क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं 75 में, एक तरह से आप कहिए कि आप 1/3 के आसपास हैं, तो 1/3 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स से अगर हैं तो ये जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। तो इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए, बहुत अच्छे से इसके लिए आप पढ़ाई करिए और एक रेफरेंस बुक पकड़िए। और अगर आप खुद से कोचिंग अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो तो रेफरेंस बुक आप एक ले सकते हैं। अगर आप खुद से नहीं पढ़ रहे हैं, अगर आप कोई कोचिंग ऑप्ट किए हैं या हमारे साथ जुड़े हैं, तो फिर हम जितना आपको बता रहे हैं उतना बस आप करते जाइए। एक चीज और रहेगा यहाँ पर कि अगर आप जो है खुद से अभी अगर ये वीडियो देख रहे होंगे और पहली बार आप जा रहे होंगे सिलेबस को देख रहे होंगे, तो आप एक चीज ये भी करिएगा कि आप 11th 12th की जो बुक है एस टेंथ की, उस बुक को भी आप फॉलो कर सकते हैं और उसको भी आप सॉल्व करिएगा। बहुत ज्यादा डेप्थ में मत जाइएगा। स्टार्टिंग के दो एक दो जो आपकी एक्सरसाइजेज होती है उसको जरूर कर लीजिएगा, उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। और अगर हम बात करें ग्रेजुएशन लेवल पे जो आपकी बुक है एसी चांग, आप उसको भी कवर कर सकते हैं, उससे भी आपको कहीं ना कहीं जो है मदद मिलेगी। ठीक है, तो ये तो रहा मैथमेटिकल पार्ट का। अब 4 क्वेश्चन आपके इकोनोमेट्रिक्स से जो कि इस बार पेपर में पूछे गए थे, तो इकोनोमेट्रिक्स का जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं था,
जैसे आप देखेंगे कि जो आपके कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है जैसे हेड टू स्कार्ड स्टेटिसिटी, और अगर हम बात करें मल्टी कोलिनियरिटी, ये सब जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो वैसे तो हम कवर करवाएंगे, पर आप अगर आप खुद से भी पढ़ रहे हैं तो ये एक्स्ट्रा टॉपिक जरूर कवर कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर में सिर्फ जो सिलेबस गिवन है वही नहीं आ रहा, उसके अलावा आपके इकोट्रिक्स भी आपके पेपर में पूछा जा रहा है। सर अगर हम बात करें हाँ, यहाँ ये पर, चीजें देखने को मिली हैं कि जो चीजें लिखी हुई हैं सिर्फ उतना ही नहीं आ रहा, जैसे टेलर्स थ्योरम यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया था, लेकिन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का वो एक पार्ट है, तो टेलर्स थ्योरम से भी क्वेश्चन अब की बार पूछा गया। तो वही बात है कि आपको सरफेस लेवल पर पढ़ना है, टेलर्स थ्योरम में भी बहुत ही बेसिक चीज पूछी गई थी, तो बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ना है, सरफेस तक ही पढ़ना है, लेकिन हाँ चीजों को पूरा कवर करना है, तभी आप आसानी से पेपर को सॉल्व कर पाएंगे, पेपर में जब बैठेंगे तो चीजें आसान आपको तो तभी लगेंगी। तो सर अगर हम बात करें यहाँ पर, मान लीजिए कि जो स्टूडेंट बहुत वीक है मैथमेटिक्स में, और अगर मान लीजिए वो अभी से स्टार्ट कर रहा है तैयारी, तो क्या वो जो है बुक पे पूरी तरीके से निर्भर रह के जो है इस एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर पाएगा और अच्छे स्कोर के साथ, और क्या वो मैथमेटिकल पार्ट में एक अच्छा स्कोर कर पाएगा क्या, इसके बारे में आप बता दीजिए। देखिए, अगर 21 क्वेश्चन मैथमेटिक्स में पूछे गए हैं तो जो भी स्टूडेंट 15 के आसपास का अटेम्प्ट किए हैं, 15 क्वेश्चन सही किए हैं, वो एक बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा। अगर आपको 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो केवल सेल्फ स्टडी से जब आप बुक के थ्रू जाएंगे तो 15 क्वेश्चन आप कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है जब खुद से आप जाते हैं, अगर आपका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं रहा है तो, इन स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे स्टूडेंट्स जो है जनरली 10 क्वेश्चन तक आते आते उनकी जो हिम्मत है वो जवाब दे जाती है, तो क्या कर सकते हैं, वो सिर्फ बुक पे नहीं फोकस कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप सिर्फ बुक पे जाएंगे तो आपको पहले 11 ट्वेल्थ का थोड़ा सा बेसिक आपको पढ़ना ही पड़ेगा, जो भी स्टूडेंट खुद से पढ़ रहे होंगे, और उसके बाद आपको अपनी ग्रेजुएशन की जो मैथमेटिक्स है उसको भी ध्यान से देखना पड़ेगा, तब जाके आपका पूरा सिलेबस कवर हो पाएगा। आप इतनी सारी चीजें इतने सारे स्कैटर्ड में पढ़ने से अच्छा है कि आप एक मतलब एक टीचर पकड़िए जो आपको गाइड कर सके, आप जैसे कि कोई ना कोई कोचिंग में रहेंगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि क्या होता है कि जब आपको कोचिंग में पढ़ाया जाता है जाती चीजें तो आपको स्टेप वाइज पढ़ाया जाता है, आपको वहाँ 11th की भी चीजें और आपको ग्रेजुएशन की भी चीजें, सारी चीजों को मिक्स करके आपको पूरा टॉपिक कवर किया जाता है, तो वो ज्यादा फायदा होता है। अगर आप अकेले तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप ये ज्यादा बेहतर यही रहेगा कि आप एक बार 11th 12th आप पढ़ लीजिए ध्यान से, बेसिक आपका तैयार हो जाए, उस बेसिक पर आप फिर ग्रेजुएशन के क्वेश्चंस को एक बार करिए, तो फिर आपका थोड़ा सा क्लैरिटी बनेगी। अच्छा, और एक चीज़ याद रखिएगा कि ठीक है आप 11th 12th के बुक को पढ़ लीजिएगा, पर जो सिलेबस आप कवर करेंगे वो आपके यूजी का जो सिलेबस है मैथमेटिकल वाला, क्वांटिटेटिव जो आपका पार्ट होता है उसका जो सिलेबस है, आप उसके हिसाब से तैयारी करिएगा। और आपको डेफ्थ कैसे हाँ, पता मैंने चलेगी, जो उसकी बुक होती है जो आपके यूजी लेवल पे, उसके बुक से आपको डेफ्थ भी पता चल जाएगा कितने डेफ्थ तक आपने अपने यूजी में पढ़ा है। हाँ सर, जो 11th 12th की बात मैंने की वो केवल बेस बनाने के लिए है, क्योंकि अगर आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करना है इंटीग्रल फॉर्मूले आने चाहिए, और बेसिक इंटीग्रेशन को आपको समझ आपके अंदर समझ होनी चाहिए कि कहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूशन करना है, कहाँ पे हमें कुछ और तरीके अप्लाई करने हैं, वो सारी चीजें जब तक बेसिक नहीं क्लियर रहेगी बहुत अच्छे से नहीं समझ में आएगी। क्लास में हालांकि हम लोग जब डिस्कस करते हैं तो हम ये ट्रिक बताते हैं कि आपको क्या स्टेप फॉलो करने हैं, तो इसीलिए बेसिक आपको मजबूत करना है तो आपको एक बार 11th 12th जरूर पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आपको कितना एरिया कवर करना है, कितनी कितना ब्रॉड वे में देखना है और कितनी डेप्थ में जाना है, ये आपको ग्रेजुएशन का जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है वो डिसाइड करेगा। एक चीज और याद रखिएगा कि जैसे इस बार डीएससी ने जो है पार्ट ए और पार्ट बी के दोनों को स्कोर को कंसीडर किया, तो सर मेरा ये प्रश्न रहेगा कि क्या हम जो 25 मार्क्स का जो पार्ट है, मतलब पार्ट ए, उसको क्या स्किप करके वो कोचिंग ऑप्ट करना, या फिर आप खुद से भी अगर सिर्फ पार्ट बी का तैयारी कर रहे हैं, पार्ट ए को ज्यादा आप वेटेज नहीं दे रहे, तो क्या ये सही रहेगा? क्योंकि क्योंकि अगर हम देखें एक तरीके से तो 100 मार्क्स का उसका वेटेज होता है, और जो डीएससी है वो उसके मार्क्स को भी कंसीडर कर रहा है ज्यादातर यूनिवर्सिटी जेएनयू को छोड़ के, तो अगर हम मान लीजिए वो बिल्कुल, ट्वेंटी देखिए फाइव का स्किप करेंगे तो क्या इससे घाटा रहेगा, या फिर जैसे या फिर हमें प्रॉफिट होगा, एडवांटेज रहेगा? एडवांटेज तो हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि जेएनयू की सीटें लिमिटेड हैं और सभी लोग जेएनयू में नहीं जा सकते, ये एक बहुत ही हार्श रियलिटी है,
तो वो 25 नंबर जो आपके होते हैं वो बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं कि आप, क्योंकि सीधे सीधे 25 क्वेश्चन में अगर मार्क्स आप अगर 20 क्वेश्चन भी अगर आप अच्छे से कर जाते हैं तो वो आपको 80 मार्क्स ऐड करता है। तो अगर आप 50 से 70 मार्क्स वहां से उठा के ऐड कर लें, मान लीजिए आप 75 में आपने बहुत मेहनत की, आप 40 क्वेश्चन कर पाए, 40 में से आपके मान लीजिए 30 क्वेश्चन सही है, तो 120 के आसपास वहां से बन रहे हैं, मैं डोमेन की बात कर रहा हूँ। और अगर आप 50 से 60 मार्क्स भी अगर आप पार्ट ए से उठा ले रहे हैं तो वो आपको ऐड करके 170 180 से 200 का स्कोर आपको दिला देता है, जो कि काफी अच्छा स्कोर होता है। तो बहुत मेजर रोल प्ले करता है जो आपका पार्ट ए 25 क्वेश्चन होते हैं। उसके लिए आपका क्या है कि अगर आपकी बेसिक इंग्लिश अच्छी है, आपकी बेसिक मैथमेटिक्स अच्छी रही है, जो एप्टीट्यूड वाली मैथमेटिक्स है, तो आप ये कर सकते हैं कि कुछ समय के लिए उसको स्किप करके पहले पार्ट बी पे फोकस करें और लास्ट टाइम पे पार्ट ए पर काम करके उसको फाइनल वे में अपना एग्जाम की प्रिपरेशन में कर लें। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, थोड़ी खराब है, और आपका जो मैथमेटिकल रीजनिंग और बाकी रीजनिंग एबिलिटी भी उतनी शार्प नहीं है, तो आपको 1 घंटे जो है दिन के वो जरूर देने चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस करने चाह रहे हैं तो 1 घंटे अगर आप देते रहेंगे डेली, अगर 1 घंटा भी नहीं दे पा रहे हैं तो आधे घंटे से 40 मिनट जरूर दीजिए। आधे घंटे में इंग्लिश का एक आप टॉपिक पढ़ सकते हैं या मैथमेटिक्स के किसी एक टॉपिक पर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो आधे घंटे देना मोर देन एनफ रहेगा। लेकिन अभी से वो लोग दें, लगातार प्रैक्टिस करते रहें, हाँ, अब तो जैसे ऑब्वियस सी बात है। हमारे बैचेस में क्या है कि इस बार जब मतलब पार्ट ए भी हमने मर्ज किया हुआ है, तो इससे ये फायदा स्टूडेंट्स को रहेगा कि उनका पार्ट ए भी स्किप नहीं होगा, साथ साथ हमारी जो डेली क्लासेस है वो आपकी आपकी जो क्लासेस होती है सर, वो लगभग 1 से 1.5 घंटे की होती है, मेरी जो है 1 से 1.5 घंटे की ऑलमोस्ट होती है आपके माइक्रो मैक्रो इंटरनेशनल और पब्लिक के लिए, और हम बात करें फिर 2 घंटे की क्लास उधर भी रन करेगी, तो मतलब अप्रोक्सीमेट आपके जो है 5 घंटे का रेगुलर क्लास चलेगा, आपकी क्लासेस कभी कभी नहीं भी होगी बट ऑलमोस्ट जो है आपके हफ्ते में 2-3 दिन तो होगी, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा ऑप्ट करना, अगर आप ऑप्ट करना चाह रहे हैं, आप अगर आप किसी कोचिंग को देख रहे हैं जिसमें पार्ट ए और पार्ट बी दोनों आए और दोनों मतलब कवर हो थॉरली, क्योंकि आपको पता है जीके जीएस मैथमेटिक्स रीजनिंग ये सभी आगे के 1 डे एग्जाम में भी आपके पूछे जाएंगे, और अभी से आप तैयारी करके रखोगे तो आई थिंक और भी आपके लिए जो है सरलता होगी, तो आप अगर ऑप्ट करना चाहेंगे जरूर करिएगा, हम तो ये कहेंगे। और इस बार भी हमने जो सिलेक्शन दिए हैं वो आपके डीएससी जेएनयू एंड अदर यूनिवर्सिटी बेस एमएससी आईआईएफटी जो है, अगर हम बात करें आपके गोखले, ये सारे यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट सेलेक्ट हुए एंड अच्छे मार्क्स से गए हैं, ठीक है, और सर ने भी काफी मेहनत की, सर ने भी बहुत ज्यादा आपके जो है लगभग 1-1.5 घंटे 2-2 घंटे की क्लासेस रन करती थी इनकी, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे थे जो नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड के थे और बहुत ज्यादा मुश्किलें भी होती थी, पर सर ने थॉरली कवर किया उसको, ठीक है, तो जरूरी रहेगा आपके एक जो है डायरेक्शनल वे में तैयारी करने के लिए जो बैच है, एक कंप्लीट बैच जिसको हम कह सकते हैं, जरूरी रहेगा आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपके टॉपिक वाइज टेस्ट भी होता है, कंप्लीट टेस्ट भी आपको दिया जाता है और जो सारे पर्क्स होते हैं वो सारे इंक्लूडेड होता है। अच्छा, एक चीज और बताइएगा सर कि अगर हम बात करें जैसे कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सिलेबस के कुछ पार्ट को स्किप करके जाते हैं एग्जाम देने के लिए, और वो सोचते हैं कि उनका जो मार्क्स आए वो 200-250 के अबव आ जाए, तो क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर आप सिलेबस के किसी एक दो पार्ट को स्किप करके जा रहे हो और आप अच्छे स्कोर गेन करवाओ, आपका इस पे मतलब क्या सुझाव रहेगा स्टूडेंट को, और ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ये भी जरूर आप बताइएगा। देखिए, अगर अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो कोई भी टॉपिक स्किप करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तो अभी बहुत सारा समय बचा पड़ा है और सारी चीजों को अभी कवर अच्छे से किया जा सकता है। टॉपिक स्किप करने की बात तब आती है जब आपके पास 2 महीने आखिरी के बचे हों और तब आपको सारी चीजें कवर करती हों, तब आप जो है फिर कुछ चीजों को, इम्पोर्टेंट चीजों को ही पढ़ेंगे और कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज नहीं रहेगी तब आप उसको छोड़ेंगे। लेकिन अभी आपके पास प्रॉपर समय है तो कोई भी चीज छोड़ के मत जाइए, क्योंकि अक्सर होता ही है कि जो चीज हम छोड़ के जाते हैं वही चीज एग्जाम में पूछ ली जाती है। और कोई टॉपिक स्किप करके अच्छे नंबर लाना, ये शायद किसी की किस्मत बहुत अच्छी हो तो ऐसा हो सकता है, अदरवाइज ये बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन अगर वहां से आएंगे तो जाहिर सी बात है आप फिर आपसे होने से नहीं है, और अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो फिर
वो चीजें कहीं ना कहीं आपको लैग करा देंगी। तो सारा कुछ पढ़ के अभी समय है, सारा कुछ पढ़िए, जितनी भी जो भी आपका सिलेबस है पूरा उसको कवर करिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी पढ़ने की कोशिश जरूर करिए, एक स्टेप अप पढ़िए जो सिलेबस दिया हुआ है उससे, तभी आप एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे और बेहतर नंबर आ पाएंगे। बाकी क्या टॉपिक छोड़ना है, क्या पढ़ के जाना है, ये सब चीजें आपके उनके लिए हैं जो आखिरी के मंथ में तैयारी करना शुरू करते हैं, या जिनके लिए 1 महीने या 1.5 महीने का समय होता है, उनके लिए सारी चीजें होती हैं कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़कर जाना है। ओके सर, तो और पूरी अगर हम चीज बात को करें यहाँ पर जैसे स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट अभी हमने स्किप किया, उसके विषय में ज़्यादा बातें नहीं की। अगर आपने पेपर देखा होगा तो कितने क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स से आए थे और कितना वेटेज और देना चाहिए स्टैटिस्टिक्स को? मैंने मैथ और स्टैट लगभग मिला के बताया कि 21 से 25 क्वेश्चन जो है वो पूरे मिला के आए हुए थे, क्योंकि स्टैट भी मैथ का एक तरह से आप कह सकते हैं कि पोर्शन है। तो स्टैट में क्या होता है कि लोग बहुत डेप्थ में पढ़ते हैं, मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट और बहुत सारी कोचिंग को भी देखा कि बहुत ज्यादा डीप में वो पढ़ने शुरू कर देते हैं, उतने डीप में कभी क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता है। आपसे बेसिक स्टेटिस्टिक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप बेसिक कोरिलेशन रिग्रेशन और बेसिक मीन मीडियन मोड के कॉन्सेप्ट्स को ही आप बस जानते रहें, आप बहुत डेप्थ में जाने की कोई जरूरत नहीं होती। अक्सर डेप्थ में जाने के चक्कर में हम बेसिक हमारा जो है वो गड़बड़ हो जाता है। तो बेसिक चीजों को, बेसिक जो आपका है उसको कवर करें पूरी तरीके से, और बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत आपको नहीं है, चाहे स्टैट की बात हो चाहे वो मैथ बाकी मैथमेटिक्स के पोर्शन की बात हो। ओके सर, कोई ऐसा बुक भी आप सजेस्ट करेंगे मैथ्स और स्टैट्स के लिए जिससे कि बच्चे आगे मतलब उससे भी पढ़ सके? क्योंकि मैं तो मतलब स्टैटिस्टिक्स के लिए अगर मैं कहूँगी तो एसपी गुप्ता कवर कर सकते हैं, और आपके 12th 12th लेवल तक का जो बुक है वो ले सकते हैं। बुक में मैं बहुत बुक का कोई स्पेसिफिक बुक का कोई प्रशंसक नहीं हूँ, मैं बस यही बोलूंगा कि आप के जो 11th 12th वाली बुक रही हैं उनसे अपने बेस को स्ट्रॉन्ग, फिर आप जो भी बुक आप फॉलो कर रहे थे आप अपने ग्रेजुएशन में उसी बुक को पढ़िए, वो मोर देन इनफ है आपके लिए, आपको ओके कोई okay. पर्टिकुलर बुक पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर बच्चे तैयारी कर रहे हैं खुद से तो एक दिन में कितना समय देना चाहिए? अगर आज से कर रहे हैं तो कितना समय देना चाहिए? अगर नहीं कर रहे, अगर आने वाले समय में कर रहे हैं तो उन्हें कितना टाइम इसके लिए डेडिकेट करना चाहिए टू गेट DAC, JNU एंड अदर टॉप रैंक यूनिवर्सिटी? इसके लिए आप सुझाव दीजिएगा। देखिए अगर अगर आप अभी बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो जो जिनका ग्रेजुएशन चल रहा होगा और ग्रेजुएशन के साथ साथ वो प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो उनको बहुत समय वो नहीं दे सकते हैं, ये कि चीज़ों को समझते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं, बट स्टिल सैटरडे संडे ऑफ होता है तो आप सैटरडे संडे में आप दे सकते हैं। तो ये आप उम्मीद करके रखते हैं कि आप वीक में ज़्यादा से ज़्यादा आप मतलब 20 से 25 घंटे आप एक हफ्ते में अपनी प्रिपरेशन को दें। 20 से 25 घंटे का मतलब होता है लगभग 3 दिन, 3 घंटे आप पर डे इस चीज़ को प्रिपरेशन को अपने दें तो आप बेहतर प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप पर डे नहीं दे पा रहे हैं तो आप उस कुछ 1-1 घंटे अगर आप 5 दिन भी पढ़ते हैं उसके बाद 8-8 घंटे भी अगर आप अपने सैटरडे संडे में दे रहे हैं तो आपका वो आवर कवर हो जाता है। मैक्सिमम 21 आवर कोशिश करिए, लेकिन 15 से 20 घंटे आपको हफ्ते में देने ही देने हैं अगर आप अच्छा करना चाह रहे हैं तो। साथ ही अपने ग्रेजुएशन पर भी फोकस बनाए रखिए क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट करके तैयारी कर रहे हैं उनके पास तो बहुत ज़्यादा चांस है, वो और भी ज़्यादा समय दे सकते हैं और उतने में ही आप अच्छा कर ले जाएंगे। रिवीजन स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पहले सारा सब्जेक्ट जो है सारा पोर्शन अपना कवर करिए, और जब एक बार आप सारी चीज़ों को पढ़ लीजिए उसके बाद प्रॉपर रिवीजन करिए, जितनी बार रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा ही बेहतर आपका रिजल्ट आएगा। और ये काफ़ी ज़रूरी भी है रिवीजन, क्योंकि आप लास्ट टाइम रिवीजन नहीं करते हैं और मुश्किल में आ जाते हैं। तैयारी पहले शुरू करी क्योंकि बहुत ज़रूरी है। आप बहुत लेट तैयारी शुरू करते हैं फिर सिलेबस कवर करना ही मुश्किल हो जाता है, और सिलेबस में चाहे माइक्रो हो चाहे मैक्रो हो, चाहे आपका इंटरनेशनल हो चाहे पब्लिक फाइनेंस हो चाहे इंडियन इकोनॉमी, सारा इंपॉर्टेंट है। 21 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स से थे तो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन दैट बिलोंग्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट, तो आपको उसको भी कवर करना है, चाहे आपके माइक्रो हो सबको कवर करना है। उसमें साथ साथ मैथमेटिकल क्वेश्चन भी आपको अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है। लास्ट मोमेंट में पिछले साल मैंने रिविजन क्लासेस ली थी, 10 से 11 वीडियोज डाले थे यूट्यूब पे जिससे कि आपके 5 से 6 क्वेश्चन डायरेक्ट उससे बन गए थे। अगर सर आपको ये चीज़ याद होगा, रात को मैंने डाला था वो वीडियो और फिर बहुत सारे क्वेश्चन उससे भी आ गए, और ऐसे मतलब बहुत सारे क्लासेस मैंने यूट्यूब पे भी ली थी जिससे क्वेश्चन आए थे, और बहुत सारे स्टूडेंट को हेल्प भी मिला था। तो इस बार भी आपको
लगातार हमारे तरफ से बहुत मदद मिलने वाली है। सर आपके पिछले के पिछले साल भी लाइव क्लासेस लिए थे, पिछले साल बच्चे बहुत कम जुड़े थे जो लाइव क्लासेस चली थी पता नहीं किस रीजन से, बट इस बार जो लाइव क्लासेस होंगी उसमें आपको जुड़ना है, तैयारी अच्छे से करनी है, कोशिश ये करना है कि आप अच्छे टीचर्स के टच में बने रहे, ठीक है, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी हो सके, आप अच्छे यूनिवर्सिटी में जो है जा सके, एडमिशन ले सके, ठीक है। तो हम यही आशा करेंगे कि आप अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले, पर इसके लिए आप अच्छे से अपनी तैयारी शुरू कर दें। तो याद रखिएगा हमारा बैच जो कि कंप्लीट बैच रन कर रहा है और आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि मैं आपके माइक्रो मैक्रो इकोनोमेट्रिक्स पब्लिक इकोनॉमिक्स इंटरनेशनल एंड अदर पार्ट्स को जो है यहाँ पर पढ़ाती हूँ। सर जो कि गेट क्वालिफाइड 3 टाइम्स NIT और IIT मद्रास में इन्होंने क्वालिफाई किया था, तो वहाँ से है और उन्होंने जो है मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल पार्ट को ये कवर करते हैं, और जिसपे और पार्ट ए को जो है आपके अदर फैकल्टीज कवर करेंगी जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है, जिससे कि आपको कंप्लीट तैयारी मिल सके, जो कि 400 पूरे मार्क्स की आपको तैयारी यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो जरूर से ज्वाइन करिएगा, 5 घंटे की रोज लगभग क्लासेस चलेंगी आप सभी के लिए, और हेल्पफुल रहेगा आपके तैयारी के लिए। 10 महीने आपके शेष बचे हुए आपके एंट्रेंस एग्जाम होने में, और ये कंप्लीट बैच आपको हेल्प करने वाला है, तो हमें कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा अगर आपको ज्वाइन करना हो। अगर ये जो है आपको सेशन पसंद आया हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जल्द से जल्द हम और भी स्टूडेंट के जो है इंटरव्यूज को कवर करने वाले हैं। ऑलरेडी 7 महीने पहले हमने टॉपर्स टॉक जो है ये मतलब आपके एक तरीके से जो रिकॉर्डिंग्स है टॉपर्स टॉक की वो जाने शुरू हो गई थी, जिसमें कि हमने 2 टॉपर्स के आपके इंटरव्यू कवर किए थे, और अभी हम और भी आने वाले कुछ समय में और भी सेशन जरूर जरूर लेंगे। तो जुड़े रहिएगा और सब्सक्राइब करके रखिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, कोई भी इशू हो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।